उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में हुए जनसंहार और उसे लेकर प्रियंका वाड्रा द्वारा संवेदना प्रकट करने के लिए पहुंचने पर यूपी पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने पर नूरपुर कांग्रेस में भी भारी रोष नजर आया है। इसी के चलते नूरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विशाल चंबियाल तथा प्रदेश कांग्रेस सचिव मनोज पठानिया की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को यूपी सरकार जबरन हिरासत में लेने के विरोध में मिनी सचिवालय नूरपुर प्रांगण में भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में हुए जनसंहार और उसे लेकर प्रियंका वाड्रा द्वारा संवेदना प्रकट करने के लिए पहुंचने पर यूपी पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने पर नूरपुर कांग्रेस में भी भारी रोष नजर आया है। इसी के चलते आज नूरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विशाल चंबियाल तथा प्रदेश कांग्रेस सचिव मनोज पठानिया की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को यूपी सरकार जबरन हिरासत में लेने के विरोध में मिनी सचिवालय नूरपुर प्रांगण में भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा इसके बाद एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने व प्रियंका गांधी को तुरंत रिहा करने की मांग की। एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दिन दहाड़े गुंडों द्वारा आदिवासी ग्रामीणों पर नाजायज जमीन कब्जाने के लिए की गई गोलीबारी में 10 ग्रामीणों की हत्या व 24 लोगों के घायल होने की घटना के बाद जब राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी संवेदना प्रकट करने के लिए उनसे मिलने जा रही थी तो बीच रास्ते में मुर्जापुर में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनको जबरन हिरासत में ले लिया गया, जो लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए तथा प्रियंका वाड्रा को रिहा करके प्रभावित लोगों से मिलने का मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका वाड्रा को जल्द रिहा नहीं किया गया तो वो सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। हमने ज्ञापन जो दिया है उसका मेन ये है, जो प्रियंका गांधी को जो कि 10 लोगों की उत्तर प्रदेश में हत्या हुई और योगी सरकार जो है नाकाम रही, वो उनको उनसे जो है वो मिलने और उनको एक सहानुभूति देने जो है वो जा रहे थे और बीच रास्ते में उन्हें रोककर इतना घटिया जो राजनीति इन्होंने काम किया है उसके विरोध में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं।